आज का जो टॉपिक है वो हम बेसिकली रिगिंग में कंस्ट्रेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? सो पेरेंट कंस्ट्रेंट, पॉइंट कंस्ट्रेंट, आई थिंक पेरेंट और ओरिएंट हम लोग कर चुके हैं, है ना? सो अभी जो बाकी के कंस्ट्रेंट्स हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं अच्छे कि वो क्या करते हैं, पर्पस क्या है उनका, एंड देन विल ट्राई टू यूज देम इन एन इन अ स्मॉल एग्जांपल, उसका यूज देखेंगे, ठीक है? सो अभी पॉइंट कंस्ट्रेंट को स्टडी करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बेसिक शेप ले रहा हूँ, ठीक है? और उसके साथ साथ यहाँ पे रिगिंग शेल्फ जो है आपका, इसमें आपको यहाँ पे ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट लोकेटर मिलता है, ठीक है? सो लोकेटर इज बेसिकली अ नल ऑब्जेक्ट, ठीक है? वो रेंडर नहीं होता, उसका कोई वैसे मतलब देखा जाए तो कोई इसके एज सच इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस वैसे बहुत है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ज़ीरो ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है? ये जब आप इसको यूज़ करेंगे कहीं पे भी ये लाइटिंग में नहीं आता, कहीं पे भी रेंडर में नहीं आएगा, बट एक हेल्पर ऑब्जेक्ट की तरह ये आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये डिफॉल्ट इस साइज में आ जाता है, तो आउटलाइनर देखते हैं। अगर मैं इसको उठा के इसके साथ सीधा पेरेंट कर देता हूँ, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन इज कि मैं इसको जिधर भी जो भी इस पे ऑपरेशन करूँगा, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल, वो तीनों उसके साथ जाएंगे, ठीक है? हाउएवर इफ आई सेलेक्ट द लोकेटर ऑन द ज्योमेट्री, उसके बाद मैं पेरेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको केवल दो प्रॉपर्टीज मिलते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन, देयर इज नो स्केलिंग हैपनिंग, ठीक है? मोर ओवर यहाँ पे आप कंस्ट्रेन कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप लिमिट डिफाइन कर सकते हो कि किस एक्सेस में आपको वो कंस्ट्रेनिंग चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रोटेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, ट्रांसलेशन मेरे को केवल वाई एक्सेस में चाहिए तो वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है? ये डिफरेंस है दोनों में, तो इसको ध्यान रखो। सो नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस लोकेटर ऑब्जेक्ट और मैं इसको अगर इधर मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो उसको कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है? इवन अगर मैं रोटेट भी कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ बीन कंस्ट्रेंड टू मूव इन दिस एक्सेस, ठीक है? सो नॉर्मल पी प्रेस करके जो रूट लेते हैं हम, उसमें और इसमें ये डिफरेंस आता है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। वहाँ पे तो सीधा सीधा ये है कि ब्लैंकेट कंस्ट्रेनिंग हो गई एक तरीके से, कि आपने कंस्ट्रेन कर दिया तो जो वो करेगा वो भी चाइल्ड भी फॉलो करेगा उसको, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है कि आउटलाइनर में ये डिफरेंस नज़र आएगा आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलता नहीं है, है ना? फर्स्ट मेथड में क्या होता है, लोकेटर मूव कर गया था इसके अंदर, बट यहाँ पे लोकेटर अपनी जगह पे, फोन अपनी जगह पे, किसी का भी किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। सो एंड गुड पार्ट इज कि इसकी प्रॉपर्टीज आप अलग से एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, जो कि अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, बट आगे चल के इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है? चैनल बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको और बहुत सारी प्रॉपर्टीज खुलती हैं, इसका यूज़ हम एनिमेशन के टाइम पे करेंगे। सो इन अ वे कंस्ट्रेनिंग इज ऑलवेज बेटर, कंस्ट्रेंट मेन्यू से जाना ज़्यादा बेटर होता है।
in all respects. ठीक है, अच्छा जिस तरीके से हम पेरेंट और चाइल्ड वो करते हैं, रिलेशनशिप बिठाते हैं पी प्रेस करके, उसके ऑपोजिट चलता है कंस्ट्रेंट मेन्यू, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। सो अभी इस केस में मैं इससे कंट्रोल करने वाला हूँ, तो मेरा कंट्रोलर ऑब्जेक्ट, या मैं कहूँगा कि ड्राइवर ऑब्जेक्ट मेरा ये है ना, ये मेरा ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ड्रिवन ऑब्जेक्ट है, ये ड्राइव करेगा, ये उसके साथ साथ ड्राइव होगा। तो जो ड्राइवर है उसको पहले आप सेलेक्ट करोगे, एंड देन यू विल सेलेक्ट द ड्रिवन, एंड देन यू विल क्लिक ऑन पेरेंट। ये तरीका है कंस्ट्रेनिंग करने का। ठीक है, दैट्स हाउ पेरेंटिंग वर्क्स। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट पॉइंट कंस्ट्रेंट। तो पॉइंट में क्या होता है कि आप पॉइंट में, अगर आप पॉइंट के ऑप्शंस में जाके देखोगे तो यहाँ पे कोई भी ना तो रोटेशन मिल रहा है आपको, ठीक है, ना स्केल मिल रहा है, केवल तीन एक्सेस मिले हुए हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड देन आई सेलेक्ट दी ड्रिवन ऑब्जेक्ट एंड आई रीसेट इट एंड आई क्लिक ऑन दिस मेंटेन ऑफसेट, एंड यहाँ पे मैं केवल एक्स एक्सिस में कंस्ट्रेंट करता हूँ इसको। ठीक है, सो ओवर एक्स इज दिस। ठीक है, सो इवन इफ आई डू दिस कुछ नहीं होने वाला है, बट दिस इज गोइंग टू ओनली ट्रांसलेट। ठीक है, सो कभी अगर जरूरत पड़ती है कि हमें केवल ट्रांसलेशन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में चाहिए, तो हम दो जगह से निकाल सकते हैं, पेरेंट से भी निकाल सकते हैं और पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है, दोनों ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप किस उसमें हैं, क्या नीड है। ठीक है, सो अब फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अनदर पीस ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके मूवमेंट की वजह से ये मूव करे। देखो, रिगिंग की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि रिगिंग में एक ही रिजल्ट अचीव करने के कई सारे सिमिलर तरीके हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ अचीव करने के लिए आपको एक ही मेथड से जाना है, तो ये चीज़ ध्यान रखो हमेशा। तो हमेशा आपको काम करते करते ऐसा लगेगा, अच्छा ठीक है, ये इससे भी हो सकता है, ये इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, सो दे वुड बी many ways of doing the same thing. So I'm going to try and attempt that similar thing. और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अभी, हमने इसको इसके साथ क्या किया हुआ है, point constraint किया हुआ है ना, लेकिन मैं इसको इसके साथ अब मैं आता हूँ एम कंस्ट्रेंट पर। ठीक है, सो एम कंस्ट्रेंट क्या करेगा, वेर एवर द लोकेटर इज गोइंग टू गो, और रादर इट शुड एम, ठीक है, ये उसी डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा, सिंपल पंडा। ठीक है, सो मैं इसको बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट रखते जस्ट आई से ऐड, एंड वी नो कि हमारा इसका जो मूवमेंट कंस्ट्रेंड है इसके साथ वो एक्स एक्सिस में है, तो मैं एक्स एक्सिस में मूव ना करके आई जस्ट मूव इन दिस डायरेक्शन, सो यू आर लुकिंग एट इट कि वो उसको कंटिन्यूसली फेस कर रहा है। मैं इसको किधर भी लेके जाऊंगा, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में वो कंस्ट्रेंड है उसके साथ, तो जाएगा ही। सो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता, बट नाउ If I just start to move it around, ठीक है, so ये aim constraint का काम ये है basically. So something like if you are
ट्राइंग टू एनिमेट अ गन, ठीक है, या इफ यू आर ट्राइंग टू एनिमेट किसी बाइक का या किसी साइकिल का कोई हैंडल है, ठीक है, उसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न करना है, ठीक है, या टैंक है, स्टेयरिंग है गाड़ी का, ठीक है, सो मच सो कि अगर किसी कैरेक्टर की आईज भी हैं, ठीक है, जो आईज का पॉइंटिंग होती है ना कि मैं अभी कैरेक्टर इधर देख रहा है, फिर उसको ऐसे देख रहा है, फिर ऐसे देख रहा है, तो ये भी आपका एम कंस्ट्रेंट के थ्रू ही कंट्रोल होती है। नॉट दैट कि हम और तरीकों से नहीं कर सकते, बट सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज कि एम कंस्ट्रेंट का काम ये होता है कि वो जिधर वो जाएगा वो अपने उसको फॉलो करवाएगा। नहीं, अभी तो मैंने एम डिफॉल्ट पे लिया, अभी तो सब पे है, इसी वजह से मैं जिधर भी उसको लेके जा रहा हूँ वो हर जगह उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं एक या दो एक्सेस पे भी उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड है ना, अगर मैं एक्स पे लेके जाऊँगा तो केवल वो एक्स पे ही उसको फॉलो करेगा, वाई पे नहीं जाएगा, जेड पे नहीं जाएगा, ठीक है। Then scale is very similar to the others. जैसे मैं मेरे पास parent में scale का option नहीं था, है ना, वैसे ही scale अपने आप में वही चीज़ है कि if I'm taking this object और मैं इसका pivot point base में shift कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। Now what I want is I want this object to be scale constrained to this. I am maintaining this offset, constrain all axis on है मेरा अभी, xyz on नहीं कर रहा हूँ मैं, and then I'll say add. So simple है कि इसको मैं scale करूँगा तो ये इसके proportionately scale करेगा ही करेगा। ठीक है, okay. So parent, point, orient, scale, aim, सारे कंस्ट्रेंट्स हमारे एक बेसिक आइडिया हमको लग गया है कि कौन सा कंस्ट्रेंट क्या कर रहा है, ठीक है। पोल वेक्टर में अभी हम मूव नहीं कर रहे हैं, पोल वेक्टर थोड़ा सा लेटर इन द क्लासेस में कवर करूँगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोशन पाथ्स, ठीक है। अभी मोशन पाथ्स का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। सो सपोज मैं फ्रंट साइड व्यू से इनफैक्ट जाके आई गो टू कर्व्स और यहाँ पे मैं इस तरीके का एक कर्व बना लिया, ठीक है, और मैं कंट्रोल वर्टेक्स में जा रहा हूँ यहाँ पे, दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं विच आर ऑब्वियसली डिफॉर्मेबल, ठीक है। अब इसको मैं यूज करना चाहता हूँ टू हैव वन ऑफ माई ऑब्जेक्ट्स फॉलो दिस दिस पाथ, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। And first basically try to give it some shape. कुछ भी एक बेसिक सा शेप दे दिया उसको, doesn't have to mean anything. Example discuss कर रहा है वैसे, ठीक है। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट इसको फॉलो करे,
So I'm going to take this cube. Bring it forward. Like that. ठीक है एंड जस्ट टू मार्क द टॉप एंड द बॉटम इसको हम थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं यहाँ पे ओके नाउ टू मेक दिस गो अराउंड दिस सिंपल इज कि मेरे को ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करना है पाथ को देन जस्ट गो मोशन पाथ अटैच टू मोशन पाथ ठीक है ऑप्शंस इसके ऑप्शंस में जाते हैं यू हैव थ्री ऑप्शंस हियर टाइम स्लाइडर स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड ठीक है स्टार्ट एंड बेसिकली का इसका मतलब ये होता है कि जितना आपका टाइम स्लाइडर यहाँ पर रहेगा वो उसको कंसिडर करेगा सो इट इज सेइंग फ्रॉम फ्रेम 1 टू फ्रेम 30 ठीक है अभी के लिए वो इतना लेके चल रहा है देन फॉलो इज चेकड ऑन बिकॉज हमें इसको फॉलो कराना है अच्छा अभी इसका एक्सेस कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरा अप एक्सेस वाई है सो यहाँ पे भी वाई होना चाहिए ठीक है यहाँ पे मेरा फ्रंट एक्सेस मतलब जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा तो मेरा फ्रंट एक्सेस क्या होना चाहिए सो दैट शुड बी जी इन दिस केस इट इज जी अगर मेरे को इसको ऐसे मूव कराना होता तो ये एक्स होता ठीक है रेस्ट अभी ऐसे ही छोड़ते हैं आई विल से अटैच सो व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग इज कि ये इसको मूव करना इस तरीके से स्टार्ट करेगा ठीक है ये चीज पॉलीगन्स में से आप कर्व निकाल सकते हो मतलब एक एज लेके आप उसमें से कर्व एक्सट्रैक्ट कर सकते हो लेकिन वो फॉलो इसी को करता है उसको पाथ चाहिए होता है बेसिकली बिकॉज पाथ जितने भी होते हैं ना वो हमेशा इसके बने हुए होते हैं आपके बीजियर कर्व्स के जैसे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में पेन टूल यूज करते हैं ना तो वो एंकर पॉइंट और कंट्रोल हैंडल्स को पकड़ता है वो बेसिकली ठीक है अच्छा अब इसमें एक चैलेंज ये आ रहा है कि जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना यहाँ पे एक तो ये जब यहाँ से मूव करता है ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इट इज फ्लिपिंग पलट रहा है वो है ना तो इसमें थोड़ा सा काम हमको अगर पहले हम प्लानिंग कर लें तो इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना ये यूजफुल है इस चीज के लिए कैसे देखो क्या करना है एक लोकेटर ले लेंगे डिफॉल्ट सेंटर पोजिशन पे ठीक है सो ऑब्वियसली इसका एक अप है साइडवेज है और एक डाउन है ना एक्स वाई जी तीनों वैल्यूज इसकी भी होती है ठीक है सेंटर में आ गया आई एम गोइंग टू नेम इट हेल्पर और मैं इसी को इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और एक बार इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों को एडिट डिलीट बाय टाइप मोशन पाथ्स तो मोशन पाथ्स की जो हिस्ट्री है वो डिलीट होगी ठीक है अब देर इज नो कनेक्शन नाउ अब कोई कनेक्शन इसमें रह नहीं गया ठीक है अभी हम क्या करेंगे इसको वापस इसके साथ कंस्ट्रेंट करेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चेंज करेंगे अभी ठीक है सो इसको फॉलो करा लिया पहली चीज दूसरा हमारा फ्रंट एक्सिस Z है अप एक्सेस Y है वो ठीक है नेक्स्ट वर्ल्ड अप टाइप
अब इसमें क्या हो रहा था कि जैसे ये यहाँ से इधर आ रहा था ना, वर्ल्ड अप इज दिस, है ना, वर्ल्ड एक्सेस जो है, जो ओरिजिन है ना, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वाई ऊपर इस तरीके से पॉइंट कर रहा है। सो यहाँ पे अभी डिफॉल्ट सेटिंग मेरा ये है, ठीक है। इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट अप दे देता हूँ तो आई कैन डिफाइन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने इसको लोकेटर लिया था, हेल्पर ऑब्जेक्ट लिया था मैंने, इसका मैंने नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने अटैच किया इसको। ओके, अब क्या हुआ, एक चीज़ और हुई कि अटैच तो हो गया लेकिन अभी वो पूरा ही पलट गया, शुरू से लेकर आखिर तक पलट ही रहा है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल एक काम ये करना है कि आप एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ इसके, और ये काम वहाँ पे भी कर सकते थे सेटिंग के टाइम पे भी, यहाँ पे आके इनवर्स अप का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको इनवर्स अप कर दो। ये चीज़ इधर भी है, देखो एक मिनट, अगर मैं इसको मोशन पार्ट्स में जाऊँ, ये चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल रही है, ये रहा, ठीक है। किसी वजह से रह जाता है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट, जिसमें कि आपका जो अप है वो नेचुरली फॉलो कर रहा है आपके कर्व को। वेक्टर तो वही डिफॉल्ट है जो अप है, अप एक्सिस जो है, वर्ल्ड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको भैया तेरे को इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। अब देखो, क्योंकि मैंने ये इसका नाम डाल रखा है वहां पे, तो मैं इसको जिधर भी लेके जाऊंगा ना, ये देखो, अच्छा, और क्योंकि इनवर्स अप ऑन है मेरा तो ये हमेशा इसके ऑपोजिट चलेगा, देखो ये पलट गया, इनवर्स अप हटा देता हूँ तो ये जिधर ये जाएगा उसके हिसाब से चल रहा है, समझ में आया। तो ये चीज है, सो इस सिचुएशन में इनवर्स अप हम ऑन रख लेंगे, या अगर मतलब वो सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के साथ काम कर रहे हो, उसमें क्या यूज़ आ रहा है उसका।